आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सब सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन ब्रेन्स आर कौन से होते हैं। सेकंड थिंग, एक और क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वेंटिकल्स ऑफ ब्रेन आर लाइन बाय विच सेल। ठीक है, देखो जहाँ पे हमारे को सेल्स दे रखे हैं, ये सारे हमारे सेल्स कौन से हैं या किसके अंदर आते हैं, ये हमारे हैं ग्लियल सेल्स। ठीक है, अब ग्लियल सेल्स क्या होते हैं, ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं, किसके अंदर, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये सेल्स हमारे नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है, मेन इनका रोल जो है वो है बस ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसमें, सपोर्टिव फंक्शन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो उसी के अंदर हमारे सारे सेल्स आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट से। देखो ये जो हमारा सेल है, ये ग्लियल सेल जो है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, माइलिन सीथ। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस एंड मेंटेन करता है माइलिन शीथ। आपको पता है कि जो एक्सोन होता है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही हमारा एक्सोन है, इसको हम एक्सोन बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन को थोड़ा फास्ट करवाती है। तो ये जो माइलिन शीट होती है, ये कौन बनाता है हमारा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, न्यूट्रिटिव सेल्स। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हम आते हैं एस्ट्रोसाइट्स पे। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं हमारे, ये क्लियर करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। ठीक है, आपको पता है जैसे दो नर्व्स हैं या दो न्यूरॉन्स हैं, उसके बीच में क्या आते हैं, जब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह सिक्रेट करते हैं ना। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होने के बाद जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स बच जाते हैं, ये उसको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, ताकि फिर सेकेंड जो होगा सेनेप्स होगा, ठीक है, जो सेकेंड सेनेप होगा, सो दैट सेकेंड सेनेप्स विल अकर इजिली, और हम कह सकते हैं कि सेकेंड सेनेप्स होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हटा रहा है, यहाँ से जो एक्सेस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर बच रहा है एक सेनेप्स होने के बाद, उसको हटाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, माइक्रोग्लिया पे। माइक्रोग्लिया का भी कुछ फंक्शन सिमिलर है किसकी तरह, एस्ट्रोसाइट्स की तरह, बस ये क्या करते हैं, ये हटाते हैं डेड सेल्स को। ठीक है, तो जो डेड सेल्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में, उनको ये हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी आ गया, अब तो यानी कि ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, इसका भी न्यूट्रिटिव फंक्शन नहीं है, इसका भी नहीं है, बचता है हमारा एपेंडाइमल सेल्स, और यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए में क्या दे रखा है, एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं क्या, सपोर्ट किसको, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये होते हैं न्यूट्रिटिव इन नेचर, और ये प्रेजेंट भी कहाँ पे होते हैं, वेंट्रिकल्स के पास में या उनके अंदर, यानी लोकेटेड विद इन वेंट्रिकल्स। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऐसा कौन सा सेल है जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन टू ब्रेन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एपेंडाइमल सेल्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।